अलैकुम प्रोग्राम इवनिंग आर और मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर। अपने तमाम नाजरीन और सामईन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज पीर है 13 नवंबर और 29 रबी उस्सानी। उम्मीद है आप जहाँ भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। और वीकेंड का पहला दिन पीर और पीर के पीर हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक। इसमें मेरे साथ साथी मेजबान होते हैं आगा सैयद अली मूसवी, वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। पहले माजरत के कुछ देर से आपसे मुलाकात हो रही है, कुछ ऑडियो का टेक्निकल मसला था। अभी भी मूसी भाई वो ठीक कर रहे होंगे, लेकिन अपडेट्स न्यूज़ की जो है वो यकीनन आप जानते हैं। फलस्तीन के हवाले से OIC का इजलास हुआ, अरब लीग का इजलास हुआ और अभी तक मामला जो है वो तकरीबन जो के तू हैं। दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो फैसला करने वाले अहम करने ममालिक वाले हैं अहम ममालिक हैं उन तक ये मामला जो है वो बेहतर हम नहीं देख पा रहे। तो जी मुसी साहब हमें ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम मुसी भाई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ गड़बड़ जरूर ऑडियो की, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये सेटल ही रहे। और नाज़रीन जो कुछ अपडेट्स पाकिस्तान की न्यूज़ के हवाले से, आज 190 मिलियन पाउंड केस का जो मामला है उसकी समाअत हुई है। नैब ने बुशरा बीबी को कुछ 10-11 सवालात दिए हैं और दोबारा वो जो सिलसिला हमारे यहाँ एक एहतसाब का और बड़ी ये शोर गुल होता है एहतसाब के, कुछ महीने पहले आपको याद होगा, कुछ साल बल्कि नून लीग की क्यादत उनके हवाले से हम अखबारात भी सुनते थे, कई कई साल नाहल करार दिया गया और कौमी खजाने को इतनी लूटमार का निशाना बनाया गया। और मेरे ही लंदन में तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, इस किस्म के जुमले हम सुन चुके हैं। और जो मुतजाद बयानात मियाँ नवाज शरीफ के हजूर ये हैं वो जराए, ये सारा जो एक पूरा जो पूरे टब्बर का जो मौकफ था वो हम सुन चुके। लेकिन अब क्योंकि अब दूसरी बारी है, दूसरे लोगों की बारी है, अब एक तरफ की दूसरी साइड की स्टोरी हम सुन रहे हैं। यकीनन हो सकता है इस स्टोरी में भी यकीनन कोई ना कोई सच्चाई होगी। जो एक बंद लफाफा काबीना से वो कैबिनेट से अप्रूव करवाया गया, 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो बजाय के कौमी खजाने में आते वो सुप्रीम कोर्ट में किसी मद में जमा हो गए। और मलक रियाज साहब को इस किस्म का जो इनडायरेक्टली जो फायदा दिया गया है वो क्यों दिया गया था, फरा गोगी साहिबा के जो इस किस्म के मामलात हैं उसका चर्चा अगर यकीनन कोई ना कोई इसमें शवाहिद होंगे तो सामने आने चाहिए। लेकिन ये महज एक दबाव, पिछले प्रोग्राम्स में भी हम बात कर चुके कि ये ऐसा है कि लगता है कि सिर्फ एक ऊपर दबाव रखने के लिए एक खास जमात को या कुछ खास रहनुमाओं को, ये हमारी एक रीत है, एक रवायत है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ही सालों के बाद वो दबाव, या अगर जिनके साथ अब इस वक्त कोई एक पेज पे है वो पेज थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ वो फटा, तो वही जो दबाव वाले जो लोग होते हैं उनकी कली खुल जाती है, उनकी बारी आ जाती है और वो दोबारा ऐसे आते हैं जैसे अभी अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा 21 अक्टूबर को वापस आए। तो अगर इसी किस्म का खेल पाकिस्तान के साथ खेला जाता रहा और एहतसाब को महज एक ब्लैकमेलिंग या एक दबाव का या किसी को वक्ती तौर पे माइनस करने का एक हरबा उसको हम देखते रहे उसी तौर पे, तो ये मुल्क की खिदमत नहीं है। कई साल पहले हमने देखा कि जब मुशर्रफ साहब भी आए थे 99 में, तो उस वक्त भी हमने यही सुना कि ये दो जो बड़ी जमातें हैं इन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और एक मौका ऐसा आया कि इन दोनों जमातों के जो रहनुमा हैं उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। एक तो मुआहदा करके गए और बेनजीर साहिबा और आसिफ जरदारी अपनी खुद साख्ता जलावतनी में वो मजबूर हुए, लेकिन बाद में ये दोनों शख्सियात वापस आई, एक शहादत का एक शिकार हो गई और यकीनन वो एक हादसा था। लेकिन हमारी सियासत में कोई नई तब्दीली नहीं आई, वो निजाम नहीं बदला कि जिसके निजाम के बदलने पे पाकिस्तानी आवाम को कुछ मिलेगा। चेहरे बदलते रहते हैं, अब दोबारा चेहरे बदल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आए हैं और एक म्यूजिकल चेयर का जो सिलसिला है, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो MQM के, उनका इतिहाद हो चुका है MQM, दोबारा वही बात कि मशहूर जमाना है कि जब पता चल जाता है कि जब वो किसी कश्ती से बाहर छलांग लगाते हैं तो ये पता चलता है कि अब ये कश्ती डूबने वाली है हुकूमत की, और जब वो किसी कश्ती पर सवार होते हैं तो अब ये पता चलता है कि अब इस कश्ती की बारी है, इन्होंने सेलिंग करनी है, इन्होंने अब ये मजे जो है वो लेने हैं। तो इस वक्त जो सवारी है
एमक्यूएम की, वो नून लीग की कश्ती में है। और नून लीग एमक्यूएम तो एमक्यूएम बल्कि बाप पार्टी जो बलूचिस्तान की, उस हवाले से भी कल पता चल रहा है कि शायद नवाज शरीफ क्वेटा जा रहे हैं। और बाप पार्टी जिससे अभी भी अनवारुल हक काकड़ साहब बाप पार्टी से हैं, वजीर दाखला इस वक्त के वो बाप पार्टी से हैं, संजरानी साहब जो सेनेट की, ये सारे जो लीडर्स जो हमें कोई समझ नहीं आई कहाँ से पैदा हुए लेकिन वो फिर भी एक एक वजन रखते हैं, वो बाप पार्टी से। और बाप पार्टी का एक मौके पे पता चल रहा था कि शायद वो पीपल्स पार्टी में जम होने जा रही है या पीपल्स पार्टी के साथ इतिहाद करने जा रही है, लेकिन बाप पार्टी जो है उसने भी जो हवाओं का रुख है उसको महसूस किया और वो भी नून लीग से इतिहाद या इलाह की बातें अब कर रही है। और शायद कल नवाज शरीफ जब क्वेटा जाए तो ये बाकायदा ऐलान किया जाए। तो ये एक इतिहाद होने, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, जमहूरी सिस्टम में इतिहाद होते हैं, इलाक होते हैं, एक जो इलेक्शन कैंपेन है उसको ज्वाइंटली किया जाता है, लेकिन इसका मकसद जो है वो इक्तदार तक पहुंचना होता है। आपने 16 या 18 महीने जो पिछली हुकूमत गुजरी है पीडीएम की, उसमें अभी आज बिलावल साहब ने मिट्टी में खिताब किया तो नून लीग को महंगाई लीग का नाम दिया है, हालांकि वो बिल्कुल शाना बशाना थे, वो शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे होते थे, शहबाज स्पीड से वो गुन गाते थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है, अब भी अगर सिलेक्शन का जो काम है वो दोबारा किया गया तो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और हमारा नारा वही है जो भुट्टो का था, ये तो हम कह चुके कि वो एक ऐसा नारा दे गए कि उस नारे की वजह से माशाल्लाह किसी और को रोटी कपड़ा मकान मिला नहीं मिला, लेकिन कायदीन जो हैं उस पंजाबी में कहते हैं उसकी खट्टी खा रहे हैं, उसका कमाई जो है नारे की जो बदौलत है वो माशाल्लाह ना किसी को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। और कह तो रहे हैं कि हमने वो नारा उस पर कायम रहना है और रहना पड़ेगा, लेकिन जो कारगर्दगी की बात करें तो अगर कुछ अस्पतालों की बात की जाती है या कुछ डेवलपमेंट्स की बात की जाती है, लेकिन ये काफी नहीं है। जितना 18वीं तरमीम के बाद जो एक सरमाया सिंध हुकूमत को मिला, या अभी सैलाब मुतासीन के लिए जो इमदाद उनको मिली है, या जो भी एक कौमी खजाने का जो एक बहुत बड़ा एक पोर्शन जो सिंध को मिलता है पंजाब के बाद, वो मैं समझता हूँ कि उसका अगर आधा भी आवाम पे लगा होता तो यकीनन दीगर जो 3-4 सूबे हैं वो देखते कि हाँ सिंध में जो डेवलपमेंट है वो काबिल सताइश है और लोग मिसालें देते, लेकिन सिंध की सूरत हाल भी वैसी की वैसी है बल्कि उससे भी अबतर है। तो ये मामला अब सिंध में जो लोग हैं यकीनन अगर उनके पास कोई ऑप्शन हो तो वो किसी और पार्टी का भी रुख करें, लेकिन वहां पर भी ऐसा ही है कि बस एक तसलसल चला आ रहा है। उस तसलसल को रोकने के लिए अब देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर वाकई कोई अपने नाखून दिखाए तो अब इस वक्त जो थोड़ा सा इनडायरेक्टली बात की जाती है पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब अगर उनको पता चल गया कि सिंध में भी जो रही गई जो उनकी अक्सरियत है उसको भी खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, तो फिर देखिएगा वो ईंट से ईंट बजाने वाला अनकरीब बयान जो है वो जरदारी साहब के मुंह से भी हम सुनेंगे, क्योंकि जब तक इन लोगों को आपको अपना एक मुफाद नजर आ रहा होगा उस वक्त उनके कहते हैं ना दांत और किस्म के होंगे, जब इनको इक्तदार से हटाया जाए और पता चले कि हमारा मुस्तकबिल तारीक है तो फिर उनकी जो दांत हैं वो जैसे हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो ये हमारे सियासतदानों के रवैये इक्तदार में और इक्तदार से हटे तो और। तो अब पीपल्स पार्टी फिलहाल तो इनडायरेक्टली इस चीज का इजहार कर रही है कि नून लीग इलेक्टेड सेलेक्टेड, और नून लीग जो है वो अपने एक जो नारा है उसका या जो उनका वोट को इज्जत दो का नजरिया था उसको छोड़ चुकी। तो अभी किसने छुड़वाया और किसकी वजह से नून लीग जो इस वक्त गुड बुक्स में है, अभी देखते हैं चंद दिनों में अगर पीपल्स पार्टी की बिहाइंड द सीन कोई इलेक्ट सेलेक्ट अच्छी दा हुई तो आप देखिएगा जरदारी साहब के हो सकता है उनके ऊपर केसेस की जो तेजी है वो इमरान खान ही की तरह उनके ऊपर भी तेजी आ जाए। बिलावल साहब का भी वो अयान अली केसेस वो सब पड़े हुए हैं, ये ना समझें कि वो केसेस जो हैं वो कई बस वो गए, वो कोई भी जले नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड जो है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के पास सब, इवन बेनजीर साहबा का केस भी वो चाहें तो बिलावल साहब पे चला सकते हैं क्योंकि अब बेनिफिशरी वो हैं। तो ये कोई भी गुमान ना करे, और आज जो पाबंदे सलासल हैं हो सकता है वो बिल्कुल कंधे झाड़ते हुए इमरान खान बाहर आए और कहें कि अब लीजिए मैं मसीहा आ गया हूं, और वैसे भी फिलहाल
आवाम के दरमियान उनकी अभी भी पॉपुलैरिटी है, उनकी जिस तरह से उनसे सलूक किया गया या जिस तरह हुकूमत से गिराया गया, आवाम उनकी तमाम जो कमियां कोताहियां बुराइयां हैं वो भूल के अभी भी आवाम जो है मुख्तलिफ सरमेज में पीटीआई को पहला नंबर करार दे रही है। तो अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके कुछ भी हो जाने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान से मुसलसल मुझे लग रहा है कि पिछले कम से कम 30-40 सालों से पाकिस्तान से बहुत बुरा किया जा रहा है, और बुरा कोई बैरूनी ममालिक नहीं कर रहे, कोई हमला हम पे नहीं हुआ, कोई इस किस्म की साजिश नहीं हुई, हम खुद ही कर रहे हैं। हम खुद ही से मुराद हम गरीब नहीं, मुल्क चलाने वाले वो ऐसे तजर्बे करते हैं, अपनी जाती इनकी रंजिशें होती हैं माफ कीजिएगा जाती महाजराइयां इनकी होती हैं, और उसी की पादाश में जब हाथियों की जंग होती कहते हैं नुकसान घास का होता है, तो हमारी आम आवाम जो है वो रुल रही है, उनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। तो ये कुछ अपडेट्स। और असद उमर का उनका एक और ऐलान आया है कि उन्होंने सियासत से लातालुकी का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पीटीआई की एक ओहदे से उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था, लेकिन असद उमर का कहा जाता है कि वो काफी गुड बुक्स में थे जब एक शेम वाल कोई बनाई गई थी इश्तहारात कि ये लोग 9 मई में है, तो असद उमर की तस्वीर उस शेम वाल में भी नहीं थी। तो असद उमर का कहा जाता है ये काफी गुड बुक्स में थे एस्टेब्लिशमेंट के, और इनको काफी बचा के रखा गया। सिर्फ एक दो दिन वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद इनकी जमानत भी हो गई, इनके ऐलान के बाद इनके ऊपर थोड़ा जो दरवाजे हैं वो भी खुल गए। और अब जो है असद कैसर जो सबका स्पीकर हैं, फवाद चौधरी या और जो पकड़ धकड़ हो रही है वो हो रही है, लेकिन असद उमर को सिर्फ इतना कह के उनको शायद तंबीह की गई हो कि भाई आप बिल्कुल जरा साइड पे हो जाएं, तो उनकी तरफ से ये ऐलान आ गया कि मैं सियासत छोड़ रहा हूं। हालांकि वो एक बहुत बड़े अरस्तू थे पीटीआई के, तो पीटीआई या उसके जो कायदीन हैं उनको पता चल रहा होगा कि जस्टिस वजीउद्दीन जो हैं वो क्या कहते थे, जावेद हाशमी जो हैं वो क्या कहते थे, इमरान खान जो हैं जिस टोले के इर्द गिर्द जिनको वो बहुत पसंदीदा कलाए जाते थे वो सबसे पहले भागे हैं। तो अब इमरान खान को भी सोचना पड़ेगा घर समेत कि कौन उनको फंसवाने में पेश रहा है, और कौन किन की जो सोच थी वो जरा कड़वी जरूर थी वक्त के मुताबिक, लेकिन उस पर अमल करता तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। और इसके अलावा जाते जाते शमाली वजीरस्तान में आज एक और दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ और हमारी पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए। इससे पहले पिछले हफ्ते 10 दिनों में गवादर में, डीआई खान में, वादिया तीरा में, ये ऐसे वाकयात हैं कि आए रोज हमारे पाकिस्तानी फौज के जवान अफसरान शहीद हो रहे हैं, जिस पर अफसोस तो है, उनकी शहादत उनका खून जो है इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी एजेंसीज हमारी फौजी क्यादत को और कोई ऐसी हिकमत अमली जरूर अपनानी चाहिए। ये खून इतना सस्ता नहीं है। अभी पिछले दिनों जो एक लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए काकर साहब और जो आसिम मुनीर साहब है उन्होंने उनके जनाजे को कंधा दिया, बहुत अच्छा किया कि उनके वर्षा के गमों में शामिल हुए, लेकिन ऐसी पॉलिसीज कोई ऐसी सोच जो है वो जरूर अपनानी पड़ेगी कि दहशतगर्द ऐसा ना हो कि वो कभी एक दिन अच्छे हो जाएं, कभी एक वही जनरल थे ना जनरल कहा जाता है जी पिछली जो क्यादत थी उन्होंने छोड़ दिया था, जनरल फैज और जनरल बाजवा ने तालिबान या दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उनको वापस बसाने की बातें की गई, थे तो वही पाक फौज की अफसरान थे ना, तो उन्होंने क्यों ऐसे फैसले किए? अगर उनकी पादाश में आज ये हमें फसल काटनी पड़ रही है और नुकसान हो रहा है तो फिर उनको बुलाएं कटहरे में लाएं, तो कोई एहतसाब नहीं है। अगर किसी की गलत पॉलिसी, जियाउल हक की भी हम बात करते हैं कि रूस के साथ और ये मामला जो अफगान जहाद का शुरू हुआ बिल्कुल हमारे जो है वो गले पड़ गया, लेकिन कोई उसके बाद उसके एहतसाब के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो जब भी हमें चाहे कोई फौजी कायदीन की कोई गलती हो, सिविलियन वज़ीरे आज़म की गलतियां हो, गलतियों को अगर मुल्क का नुकसान हो रहा है तो कोई परवाही नहीं है। किसी की गलती या किसी की दुश्मनी की वजह से अगर एक दूसरे का नुकसान हो रहा है तो वो फिर 9 मई की शक्ल अख्तियार हो जाती है। हालांकि 9 मई की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा सानिया करार दिया जा रहा है कि हमारा 9/11 है, वो सानिया एपीएस 9/11 नहीं था जहां पर 150 बच्चे हमारे शहीद हो गए और आज भी उनके वर्षा जो हैं वो रोते हैं कि वो एहसान उल एहसान किधर गया। वो 9/11 नहीं था, 9/11 ये था कि हमें वक्त की जरूरत है, इसको सबक सिखाना है, तो वो हमारा 9 मई 9/11 है। तो 9/11 हमारा उस दिन होना चाहिए, आज भी 9/11 होना चाहिए जब दो हमारे पाक फौज के जवान शहीद हुए
उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये सारी चीजें हैं, अफसोसनाक है कि खून की कोई कीमत नहीं, जाति अनाद है, जाति रंजिशें हैं। अब पहले बात मुंशी भाई करेंगे और फिर नाजीन आपकी हम कॉल्स खोलेंगे। जी मुंशी साहब, अक्सर यही इसके ऊपर जब राइट पेश करता हूँ तो यही बात कहता हूँ कि ये एक बाकायदा एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और किसको लॉन्ड्री में ले जाया जाए और वहाँ से उसको जो है वो क्लीन चिट दे दी जाए, उसको वॉश करके लाया जाए। आपने देखा भी नवाज शरीफ साहब जब जा रहे थे, जब क्या मामला थे, जब आए वो किस तरह से आए हैं और किस तरह से उनके मामलात हैं, वो पिछली हुकूमतों में क्या क्या इंजाम हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ सब कौम के सामने इस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। तो अब यानी ना कानून की कोई बालादस्ती है, ना कोई जमहूरियत की कोई इकदार है, कोई चीज़ नहीं है। मतलब एक जगह से सिंगल हैंडेड जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है और किसी की मजाल नहीं। आप देखें, जहाँ अगर आप सहाफ़ियों की बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स जो सहाफ़ी थे, जो जर्नलिस्ट थे, वो इस वक्त मुल्क छोड़ चुके हैं। ज़्यादातर मैं नाम गिनाने बैठूँ तो एक लंबी तवील लाइन में जो चलेगा और वो यहाँ से जा चुके हैं। इस तरह से आपने कहा कि जो केसेस इनके पास रहते हैं वो कोई रिकॉर्ड नहीं चलते, वो किसी सूरत नहीं चलते, वो रखे जाते हैं और वक्त आने पर किसी के ऊपर भी वो चार्ज लगा दिया जाता है। और वो भी मैं समझता हूँ एक तरह का एक ड्रामा होता है, क्योंकि ये जितने भी फ्रंट मैन रखे जाते हैं, जिनको सियासतदान हमारे यहाँ उर्फ आम में कहा जाता है, ये सारे फ्रंट मैन है किसी के और जिसके लिए कमीशन पे काम करते हैं। तो एक जब अपनी ड्यूटी दे लेता है तो उसको सियासी बनाने के लिए, सियासी लीडर बनाने के लिए, कि उसकी सियासी साख बरकरार रहे, उसको थोड़ी बहुत जेल वेल में डाल के ताकि उसकी सियासी साख जो है वो बरकरार रहे और उसको जो है वो मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। ये तमाम ये म्यूजिकल चेयर चलता जा रहा है। आप देखेंगे आज तक हमारे यहाँ किसी सियासतदान को, जो सो कॉल्ड सियासतदान हैं, आप उनको माफिया के जो है वो गैंग्स के हेड कहें, आप सियासतदान कहें माजरत के साथ, मगर जो है वो जमहूरी इकदार तो है नहीं। कौन सी पार्टी है जिसके पास अस्करी विंग नहीं है, कौन सी पार्टी है जिसने खून जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत है, इसकी क्या खदोखाल है, इसके क्या मंशूर है, क्या इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप सामने रख के इंसाफ के साथ फैसला करें तो आप देखेंगे कि 70-75 सालों से जो तमाशा है वो ये कि इनमें से किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ, क्योंकि ये सब फ्रंट मैन है। इनको सामने रखा जाता है, हर आदमी अपनी सलाहियत मनवाता है कि मैं बाहर से इतनी भीख लेकर आऊंगा, अंदर से इन इन स्कीमों से इन गरीबों को 23-24 करोड़ लोगों से ये लूट लूंगा, इतना मेरा इतना आपका। उसके बाद वो अपना टाइम पूरा करके और उसके बाद थोड़ी बहुत सजा जो कि उसकी सियासी शख्सियत को बरकरार रखे वो सजा उसको सुनाई जाए और उसके बाद 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर स्टैम्प लगा के उसको बाहर भेज दिया जाए और जब लाया जाए तो उसको शाही मेहमान बना के लाया। ये सबके सामने है। अब इसके ऊपर मजीद जो है वो भी फारूक भाई आपसे बात करेंगे। थोड़ी सी अपडेट कर दूं कि मिस्र ने जो है वो गजा के लिए इंसानी इमदाद देने से इनकार कर दिया और रफा का जो बॉर्डर है वो नहीं खोला है और उसमें 60 टन इंसानी इमदाद है जो ईरान ने मिस्र को रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा को दी थी, जिसके अंदर जो है वो तिब्बी सामान है, खुराक है, अद्वियात शामिल है, तमाम चीजें हैं, मगर उन्होंने जो है वो अंदर जाने से मना कर दिया और कहा है कि ये गजा को पानी, अद्वियात, खुराक, कोई भी चीज़ जो है वो मिस्र से आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये एक अजीब चीज़ है। और दूसरा ये कि बाज़ चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल कैनवस हट के सिर्फ एक इंसानियत के तहत होती हैं। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसमें ना लोग मज़हब देख रहे हैं इस वक्त, ना लोग नेशनैलिटी देख रहे हैं, ना जो है वो किसी चीज़ को लोग देख रहे हैं कि जुल्म, लोग देख रहे हैं मजलूम कौन है और लोग जो है वो मजलूम की यारी करने की इस वक्त दुनिया में बात करते हैं। बहरहाल, और दूसरी जो खबर है वो लबनान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी है और इसराइल की और लबनान की, जिसमें शुमाली जो सरहदें हैं उधर जो है वो हैवी ऑमनेशन जो है वो डिप्यूट हो रहा है इसराइल का और वहाँ से जो है वो बहुत खतरनाक है। इस पर बार बार अमरीका की तरफ से भी जो है वो कहा जा रहा है, उनको मशवरा दिया जा रहा है कि लबनान के साथ मत उलझा जाए क्योंकि इससे जंग का दायरा जो है वसी हो जाएगा। और जितने भी होशमंद लोग हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, यकीनन चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो ये गजा वाला मामला हो या यमन वाला मामला हो, कोई भी सूरत हो, कोई भी डिस्प्यूट हो जिसमें इंसानी जाने जो है वो जाया हो रही है, चाहे वो कुर्दों को काराबाग का
जो है वो का मामला हो, अज़रबैजान का, जहां पर भी जो भी डिस्प्यूटेड मामला हैं, जो अकलमंद लोग हैं वो यही कहते हैं कि इस पर ये टेबल टॉक के जरिए से मामला को हल किया जाए, और जंग के जरिए से और असले की मंडी लगाने से इंसानियत का नुकसान है, मगर क्या किया जाए कि बाज़ जगहों पर जो है वो चीज़ें देखा जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, और अकवाम मुत्तहदा के भी होते हुए, तमाम यूनाइटेड नेशन के होते हुए, और कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ करारदाद, मजम्मती करारदादें, अपीलें, और इससे आगे, मगर ये अपील मैं पूछता हूँ कि किसके मेहजर में हो रही है, किसके हुजूर में यह अपील की जा रही है, कौन सुनेगा? तो एक कोरम पूरा किया जा रहा है कि जी हमने मजम्मत की, हमने अपील की, और हमारा काम खत्म हो गया। अगर किसी के ऊपर आग बरसती है तो बरसती रहे, किसी का पानी बंद होता है तो बंद होता रहे, किसी के बच्चे अगर मरते रहे तो मरते रहे, हमने मजम्मत कर दी, हमारा काम खत्म हो गया। अब दुनिया मेरे ख्याल में इस डगर के ऊपर चल रही है, जितने आपके सामने बड़े बड़े फोरम्स हैं, ऐलामी है, वहां पर आ रहे हैं, वहां पर मजम्मतें की जा रही हैं, मगर प्रैक्टिकली जो है वो सिसकती हुई, बिलकती हुई, चीखती हुई, बिलबिलाती हुई इंसानियत को जो है वो बचाने के लिए कोई संजीदा, हम देखते हैं कि इस वक्त तक अभी तक कोई काम नहीं है, और हनूस लड़ाई जो है वो जारी है। फारूक भाई, आप की तरफ बढ़ेंगे, और मजीद जो चीजें हैं बड़ी अफसोसनाक है पाकिस्तान से, क्योंकि अब उम्मीद, जब उम्मीद खत्म हो जाए, होप खत्म हो जाए कौम की, तो फिर लोग जो है वो बेचैन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हर गुजरते हुए दिन के साथ लोग जो है वहां से, एक भगदड़ है जो है वो भाग रहे हैं, तो इस हवाले से बड़े मायूस कुन मामला थे। कल पीडीएम के अंदर यही लोग सब साथ बैठे हुए थे, अब आज महंगाई का ताने दे रहे हैं, आज वो सारे मामला था, फौरन जो है वो जब अपने ऊपर आई तो वो मामला जो है वो तितर बितर होने शुरू हो गए। तो यही कल पीडीएम, यही सब पीडीएम जो मौलाना को ले लेके आगे एक बारात घूम रही थी, अब वो उसके अंदर जो है वो रस्साकशी जो है वो शुरू हो गई। अजीब अजीब तमाशा है, आवाज नहीं आ रही आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज पाकिस्तान से। आवाज। अभी आवाज आई। हाँ, बराल साहब ने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। जब वो रात को, जब वो सारा, वो कासिम सूरी साहब हटे और अयाज सादिक आए और असेंबली में, 1-2 बजे का टाइम था शायद पाकिस्तानी, तो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, बहुत खुशियां मनाई गई। लेकिन अब वही दोबारा एक मजाक हो रहा है, मजाक का सिलसिला जारी है। मैं इस दौरान जो है वो बीबीसी पेज जो है उस पे जो अपडेट्स हैं, डब्ल्यूएचओ से गाजाज बिगेस्ट हॉस्पिटल बिकमिंग एक मैट्री, यानी अस्पतालों को भी मुझसे भाई, अगर आप कंटिन्यू रखें, अगर मेरी आवाज आप तक आवाज पहुंच रही है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही अभी, लेकिन वही बात, थोड़ा मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ, आप कंटिन्यू रखिएगा। सारी बात सिर्फ आवाम के शऊर के ऊपर अब जो है वो डिपेंड करती है कि लोग जो है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला, अपने जमान किसके हाथ में देते हैं। और जहां तक देखा जाए कि जो सबसे पहला मुतालबा, जो सबसे पहला मुतालबा होना चाहिए, जिस तरह से लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान एक अवामी तहरीक का एक नारा करार देते हैं, मैं समझता हूँ उससे पहले शफाफ इलेक्शन का जो है एक मुतालबा पाकिस्तानी कौम की तरफ से होना चाहिए, हमगीर होना चाहिए, हमगीर होना चाहिए पूरी दुनिया भर में, जहाँ पाकिस्तानी है, सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, और पाकिस्तान के अंदर हर प्लेटफॉर्म से इस बात को उठाएं, मेक श्योर करें कि पाकिस्तान में जब तक निज़ाम वोटिंग का शफाफ नहीं होगा, ना रोटी मिलेगी, ना मकान मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, क्योंकि आप अपनी बिल्कुल सही, जमान बिल्कुल किसके हाथ में दे सही। रहे हैं, आप अपनी जमान किसके हाथ में दे रहे हैं, पहले तो ये डिसाइड करें। जब आपकी मर्जी का हुक्मरान ही नहीं आता, आपके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो फिर सियासी जद्दोजहद या एक दूसरे से नफरत या अपने मंशूर पे अमल करना कोई चीज काम नहीं आएगी। फारूक भाई, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाह। जी, कॉलर हमारे साथ जी, है। कॉलर अस्सलाम हमारे वालेकुम साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई। जनाब अली भाई को भी बहुत बहुत आ रही है। ठीक जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ अली भाई, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि वाम करे, जी और मेरे भाई पाकिस्तान की वाम कुछ नहीं कर सकती, क्या करेगी? जैसे ठीक है। घर में 3 वर्दियों के बगैर आदमी चले जाए, सरकार आपको मारे तो आप किधर वोट डालेंगे? कौन भाई, ये पाकिस्तान को उन्होंने मजाक बना दिया है लोगों ने,
ठीक देखो वल्लाह मालिक है, ये हम तो 70 साल से देख रहे हैं, कुछ होगा कुछ कुछ नहीं होना, अपनी मर्जी से चलाएंगे जैसे उन्होंने चलाना है। आप क्या समझते हैं कि कोई जेल से आया था कैदी फरार हो या चला जाए जमानत पे वापस जाए, उनको आरा अपनाते हैं, जज चुप करके बैठते हैं। जज क्यों बैठते हैं उनको रात ने, उन्होंने घर में जाना है मेरे भाई, जजेस ठीक का कोई वैल्यू नहीं है। जो चलाना चाहते हैं उनकी मर्जी, ऐसी अगर चलाना चाहते चलाते रहे, अवाम की आज तक किसी ने नहीं सुनी। ये डंडे से काम चलाते हैं, ये न्यूट्रल श्यूट्रल ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसे चलता रहेगा। हम तो दुआई कर सकते हैं मगर पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा होगा कोई अवाम की सुने या अवाम की वोट डाले तो उसे वोट सही तरह जाए। नहीं, वो सही अपनी बात, मर्जी से वोट लेके जाएंगे, बनवाएंगे जो अपनी मर्जी का आदमी होगा और कुछ नहीं। जो आदमी आए थे तरीके साहब वाला आया था ना, अभी जेल में सड़ रहा है, एक दुनिया का हीरो, क्या उसने जुर्म किया? पहले आपने उस पर गोलियां चलाई, उसके काफले पे गोलियां चलाई, क्या मुकदमा किसी पे हुआ, किसी को अंदर हुआ? सरेआम दिन दहाड़े किसी को कत्ल करने की कोशिश की गई, वो इतने बड़े शहर में और इतने बड़े लीडर को, तो किसी ने को अंदर हुआ उसके वो केस में? कोई नहीं हुआ। ये आंधी नगरी है, ये वो ही करते हैं जो उनके मन को बात है, जो पता नहीं। मैं अभी ऐसे लिबाज नहीं संभालते ना, जो आप उन्हें यार अच्छा नहीं किया, या ठीक तो बिक जाते हैं या रोज अपने शहीद जो भी होते हैं उन्हें बोलते हैं कि मोराल बढ़ रहा है हमारी फौज का, रोज अपने बच्चे मरवाते हो, कभी अपना मरवा के देखो। हाँ, वो किसी गरीब का बच्चा होगा जो बॉर्डर पे तोड़ते हो, मर जाता बेचारा, शहीद कहलाता है, उसके घर में थोड़े बहुत पैसे जाते हैं, उसके अंदर पूछ देते हो। ये नहीं एहसास किया कि किसी ने, माँ ने इसको परवरिश करके अपनी कौम के लिए भेजा है तो उसकी लाश आ गई है, सही इधर सही सो रहे हो? ये सब ठीक झूठ बोलते हैं मेरे भाई, करना चाहे चलें, 1 मिनट में ये रुकावट कर सकते बेहतरी हैं हो हर जगह सकती पे, है, इनसे बिल्कुल खर्च सही कर सकते हैं, मगर करना नहीं चाहते हैं। इनसे पैसा बना रहे हैं, दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं हमें दहशतगर्दी का खतरा है। तुम्हें हर एक कार रिकॉर्ड करते हो, हर एक आदमी को इंटर होते देख सकती हो, तो किधर है तुम्हारी आंखें, किधर है तुम्हारे कान? क्यों नहीं उन दहशतगर्द को मार रहे जो माओ के बहनों के बेटे जा रहे हैं, वो गरीबों के बेटे जा रहे हैं? आपका क्या फीते लग गई है? आप तो सीट में बैठे हो, ऑर्डर कर रहे हो, वो शर्म ठीक तो होनी चाहिए। जिनके घर लाश जाती है उनसे पूछो जाके, शुक्रिया मेरे भाई साहब। सही सही, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप बात कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहन टीवी से हट जाएं थोड़ा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या फरमाएंगी? सबसे पहले आगा अली मौसवी और आपको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जी शुक्रिया। आपने सैलाब ज़दगान की पहले बात की थी, मैं सारा प्रोग्राम सुन रही हूँ। कि सैलाब ज़दगान में ट्रक वगैरह जो जाते थे इमदाद के लिए पूरे पाकिस्तान में, जी तो बड़े बड़े जितने अफसरान थे वो अपने घरों में कंबल, स्त्रियां, हर चीज भिजवा देते थे। बल्कि हमारे शहर में भी जो लड़के वहां काम करते थे ना, स्त्रियां और कंबल बेशुमार आए, और पर वो बाकी लोग सामान अभी बाजारों में सोचते बिकने के रहे लिए चला कि हमें जाता कुछ था। नहीं मिला। जी हाँ जी हाँ जी, जी हाँ हमारे बच्चे हैं तो वो बच्चे नौकरियों के लिए बैठे हुए हैं, किसी ने BSc कर ली, किसी ने MSc कर ली, तो वो हमने बच्चों की सारों की TCS इतना इतना पैसा लगा के कागजात भेजे और तस्वीरें भेज कुछ कर तो, लेकिन मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। कि कहते हैं तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया, अगर एक बच्चे को सिक्योरिटी गार्ड भी लगवाना है तो कहते हैं 4 लाख रुपए तुम्हारे। यानी कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी हैं ना अफसरान, अल्लाह जॉब देने वाले, अकबर, सब बिक चुके हैं, सही बच्चों के बात पास नौकरियां हैं नहीं। जी, फिर शहर में तमाम रोड्स टूटे हुए हैं। मेरा छोटा बेटा है वो कॉलेज जाता है, तो एक दिन जाता है दूसरे दिन कहता है अम्मी मैं नहीं जा रहा, मेरी टांगी अकड़ गई है, मेरी कमर दुख रही है। तमाम रोड्स पूरे पाकिस्तान की रोडें टूटी हुई है। जो भी इन्होंने करना है, इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, किसी को कोई जॉब नहीं दी, किसी को घर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जी फिर भी हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने तो आके अपनी मिलें बनानी है, स्टील मिलें बनानी है, बाहर के मुल्कों में अपने बच्चों के ये घर बना रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। और ये बिल्कुल मैं सही, कह रही हूँ कि हमारे मुल्क की सड़कें रोडे आके चाहिए, जरा ना रोड्स पे आके देखें तो सही कैसे रोड्स हैं, कस्बों में आके, डिविजनों में आके रोड्स
रोड्स देखें, बच्चों के डिग्री कॉलेज की रोड देखें, और ये दूसरे कॉलेजेस हैं प्राइवेट उनकी रोड्स देखें कि बच्चे इतने परेशान है ना कॉलेज जाने के लिए, कि जो बच्चे मरीज भी है ना मैं भेजना चाहती हूँ, 2 दिन जाता है, दूसरे दिन एक हफ्ता करता मैं जा नहीं सकता। आके रोड्स की हालात देखे यहाँ पाकिस्तान के, और टीवी पे दिखा देते हैं C44 इधर फैसलाबाद का है चैनल, उस पे दिखाते हैं कि ये रोड बन रही है, डिग्री कॉलेज की रोड बन रही है, उधर सन सिटी की बन रही है, इधर मक्का टाउन की बन रही है, और वो पैसे लेके सारे खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, और कोई भी रोड नहीं बनी हुई। और जब इन पे पानी जमा होता है बेशुमार, तो कोई चलने के काबिल नहीं रहता। इस कदर बुरे हालात हैं पूरे मुल्क के, खुदा खैर करे, मैं तो कह रही हूँ कोई भी वोट लेने के काबिल ही नहीं है। सही बात है, किसी को भी वोट ना दिया जाए जो जो इनके हालात चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहन आपकी कॉल का, आपकी आवाज का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और यकीनन एक ऐसी आवाज के सही मानों में बहन ने बहुत अच्छी बातें की कि इमरान खान के वादे वो भी रास्ते में ही रह गए, वो 50 लाख नौकरियां वो किधर गई, वो करोड़ घर किधर गए, या वो पता नहीं कि 50 लाख घर थे, करोड़ नौकरी थे, हम तो ये भी अब याद नहीं रहा कि क्या वादा था उनका। एक और कॉलर हमारे साथ, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। मोहतरम अफजाल साहब खुश आमदेद। हिफाजती इदारे अगर वजीर आजम की हिफाजत के बजाय साजिशें करें, सही, हैरानगी की बात है, ऐसे लोग खुद को मुल्क का मुहाफ़िज़ गैरतमंद मर जाए तो शहीद कहलवाते हैं, और फिर मातम भी करते हैं कि अवाम से इत्तफाकन शहीदों की जो तोहीन हो गई है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुझे इनकी बात से वो याद आ गए, इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू, जब वो बहुत एक पेज में क्या, वो तो बिल्कुल साथ थे ना, वो यकजान थे जब, तो वो कह रहे थे कि जी अगर एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर की भी ऑडियो कोई टेप्स करती हैं तो वो बहुत अच्छा करती है, ताकि वो हिफाजत करती हैं पाकिस्तान की। तो देख लें फिर, अब वो हिफाजत करते करते बात अब उनकी तो खत्म हो गई, अब बुशरा बीवी तक पहुंच गई है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो मतलूब है। जी मुसीब भाई, 2-3 कॉल्स आए, उस पर अगर आप बात करना चाहें। इंटरनेशनल प्रेशर आने से कौमें खत्म नहीं होती, आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। कौम खत्म होती है जो है वो एक उम्मीद, होपलेस होने से, कि इंसान को एक डीमोरलाइज कर दिया जाए, वो उसकी होपलेस हो जाए और उसको उम्मीद बाकी ना रहे, टनल उसको आगे अंधेरी नजर आए। इस वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ जो हमारे लोग हैं, जो कॉलर्स की सॉरी कॉलर्स की गुफ्तगू के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, इसके इस उनके जो गुफ्तगू का जो रुख है, उस रुख के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि लोगों के अंदर मायूसी जो है वो जा बजा उनके जहनों के अंदर घर कर चुकी है, उनके अजहान के अंदर एक मायूसी ने डेरे डाल दिए हैं, जो कि बहुत बुरी अलामत है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। उम्मीद कहते हैं कि हम उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आने वाला दिन इंसान अच्छे दिन की तवक्को करता है, कोई भी आने वाले दिन के लिए अगर जब वो बुरा समझे कि कल का भी दिन ऐसे ही होगा, तो फिर वो इसके माने डिप्रेशन में चला गया और मायूसी ने उसके ऊपर घर कर लिया है। तो बात सारी यह है कि कौम का जो एक मोरल किस तरह से अप होगा, किस तरह से लोग जो है वो उम्मीद करेंगे, उसके लिए कोई जामे पॉलिसी, कोई खारजा पॉलिसी। अभी कल की बात है, ये PDM बना के एक साथ बैठे हुए थे, अब ये आपस में रस्सा कशी कर रहे हैं। ये चीजें जो साइन है, ये कौम के अंदर मायूसी फैलाते हैं कि आखिर एक दौर गुजर गया, चले इमरान खान साहब का भी दौर गुजर गया, जो एक उबूरी हुकूमत थी, अब उसके बाद इलेक्शन जाएंगे, इलेक्शन पे सिम खरीदते वक्त तो बायोमेट्रिक है, मैं बार बार हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, और वोट डालने में वही अंगूठा, और मरे हुए लोग मरहूमीन के वोट खुद ही पड़ जाएंगे, और बाज़ लोगों के तो दो दो वोट पड़ेंगे, बाज़ लोगों के चार चार वोट पड़ेंगे, पूरे पूरे बैलेट बॉक्स गायब हो जाएंगे, नए आ जाएंगे। तो ये जो सारे मामला थे, अब किस तरह से आप कौम की मायूसी को दूर करेंगे, किस तरह से, क्या क्या पॉलिसी है, क्या जामे पॉलिसी है, क्या अब नया, मैं कहूँगा नया चूरन क्या है, कशकोल तोड़ो, मुल्क संवारो, रोटी कपड़ा मकान,
इंसाफ देंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां और 10 लाख घर देंगे। सारा चूरन गारत हो गया, अब नया क्या चूरन आ रहा है, मैं वो उसके इंतजार में बैठा हूँ कि अब क्या आएगा। वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों धक्के दिए, सब हो गया, सब हो गया, सब कुछ हो गया। कॉलर बोले बिस्मिल्लाह। मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं बात करता हूँ सबसे पहले आगा साहब फिल्म स्वागत की सर और आदाब। और बात यह है कि इन्होंने गुफ्तगू अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया था रोटी कपड़ा और मकान सोशलिज्म का नारा लेकर आया था, ये हमारे एक लीडर था एक नाम हाल। फिर आवाज गई। और दूसरी बात है कि किधर गया सोशलिज्म, किधर गया है रोटी कपड़ा मकान है। और अभी जो ये नारे लगा रहे हैं, ये कौन से हैं, ये खुद साधा लीडर अच्छा हमारे, ये कौन से बट नारा साहब लगा रहे कोई हैं। आवाज में मसला है, आपकी आवाज जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जज्बात अभी है ऊपर गए नहीं, मैं सिर्फ सुन पा रहा हूँ। तो मुसीब भाई अभी आप तक आवाज पहुंची मेरी, अभी आ रही है। जी बट साहब बोलिए सर, स्पीकर बोलिए। प्रॉब्लम है, कोई नहीं बात नहीं है, वो तो ऐसा कभी हो सकता है। जी हाँ जी अब हाँ ये है कि बद्री अजीज की दिन रात सियासी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जी मगर कोई इसका किसको किसी का ख्याल नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं अपना 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 और जान बनाओ। अच्छा, जी हाँ मगर मुल्क के खुद साहता सियासी लीडरों को बिल्कुल परवाह नहीं। बस इनको हर सूरत इकतदार चाहिए। मुल्क में उन्होंने आइन की पामाली की है। हमारे कदम का वतन कौमी असेंबली के बगैर चल रहा है, नुमाइंदगान के बगैर चल रहा है। कोई कानून नहीं, लॉलेसनेस है। मुल्क में जंगल का कानून है। सियासी वर्करों की गिरफ्तारियां रोज का मामूल बन चुकी हैं। खवातीन को पाबंदी सलासल कर रखा है। इनके घर वाले बिलखसूस बच्चे माओ को तरस रहे हैं, रोते हैं। सही है। नाहक इनको इफ्तार कर रखा है। अल्लाह ताला के अजाब से बचो। और ये है कि बड़े बड़े आए नारे लेकर आए, बड़े बड़े स्लोगन लेके आए, बड़े बड़े लेके फार्मेट लेके आए, वो बिल्कुल उसमें उनमें हकीकत नहीं थी, वो फ्रॉड था। अब भुट्टो की बात मैं करता हूँ इसलिए कि उसने अयूब खान के जमाने में एक स्लोगन छड़ा छोड़ा, यानी कि मैं ताशकंद। आज तक ताशकंद कोई बता नहीं सकता उसमें क्या हुआ था, कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। ठीक इसलिए उसकी आड़ लेकर ये वजीर खारजा बना और इसकी फैमिली जो है मुल्क को बर्बाद करने लिए आई हुई है। अल्लाह ताला इनको अजाब पे मुबतला करे, इनसे आमीन बचाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। बहुत मेहरबानी बट साहब, शुक्रिया। और नाज़रीन कॉल्स का सिलसिला जारी है, आप किसी हमारी बात से इतफाक करते हैं नहीं करते, किसी कॉलर की बात से इतफाक करते हैं नहीं करते, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। और बहन ने जैसे पाकिस्तान से बताया कि नौकरियां जो है, अगर कोई बच्चा पहले तो पढ़ाना मुश्किल है, उसके अखराजात, उसकी वो जो तमाम जो जरूरियात हैं वो एक वालदेन के लिए, वो उनको अफोर्ड करना, शायद वो अपना पेट पाट काट के वो किसी अपने बच्चे या बच्ची को पढ़ाते हैं, कोई डिग्री मिलती है, तो फिर नौकरी जो है वो नौकरी वो ले जाता है जिसकी सिफारिश भी होती है और फिर मालदार भी होता है। और नौकरियां बेची जा रही हैं, कोई भी महकमा हो, जैसे उन्होंने बताया इवन चौकीदार लगवाने के लिए भी वहां से जो है कोई 5-10 लाख रुपया कोई लेगा तो आपके बच्चे को कोई चौकीदार रखेगा। तो ये जब सूरतयाल हो, और जो प्राइवेट नौकरियां हैं वहां पे उतनी तनख्वाहें नहीं है, जो हमारे भाई कॉल करते हैं अमूमन शायद 20-30 हज़ार रुपया, इस दौर में जो तनख्वाह है वो उससे क्या गुजारा होगा, वो किस तरह से अपना वो गुजर बसर करते होंगे, ये अजीब बात है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, एक वही बात के काश जो जो सन 2022 में इमरान खान की हुकूमत को इस तरह से जो वो हटाया गया वो सिलसिला ना होता, और आवाम तक, वो इलेक्शन का ऐलान हो चुका था, इमरान खान ने बहरहाल जो भी था दबाव के तहत या जिसके भी तहत वो उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी थी, और सदर ने वो असेंबलियां जो है बर्खास्त होने के साइन भी कर दिए थे। तो ये किसने, वो अब जस्टिस बंदियाल साहब जो अभी जाते जाते वो गुड टू सी यू कह कह के
और वो अपने सारे जो गुनाह या मामला थे उनको ठीक करने के चक्कर में थे, वो सबको गुड टू सी और बाय बाय कह के वो जा रहे हैं। अगर वो रात को 12 बजे अदालतें ना लगाते और ये जो नई सर्कस पैदा हो गई पीडीएम की हुकूमत की, कह देते कि इलेक्शन का ऐलान हो गया है और वक्त की जरूरत यही है कि बजाय के उन लोगों को 3-4 साल के बाद उसी असम्बली के लोगों को, और हमने देखा कि राजा रियाज जब जैसे लोग वो अपोजिशन लीडर हों, ऐवान ऐसे चला कि 5-5, 10-10 लोग बैठ के असेंबली की कार्रवाई चल रही है, कोरम पूरा भी नहीं होता, लेकिन इनके वायदे हो गए कि कोरम के हवाले से कोई आवाज नहीं उठाएगा और दो दो तीन तीन बंदे वहां पर गप्पे लगा रहे हैं और सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान करके वो असेंबली सेशंस होते रहे, जो कानून साजियां होती रही वो हमारे सामने है। तो ये अगर ना होता और जजेस जो है उसी फैसले के ऊपर कह देते कि ठीक है अब ये वक्त नजरिया जरूरत को हो ना कि वो अवाम के फायदे में आ जाती तो वो सबसे बेहतर था, उसी वक्त इलेक्शन हो जाते, अवाम इमरान खान को सजा देना चाहते उसकी बुरी परफॉर्मेंस पे, किसी और को लाना चाहते, दोबारा जो है इलेक्ट करना चाहते, तो आज मुल्क जो है वो बेहतरीन हालत में होता। और आज जहां पर उम्मा हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, OIC का इजलास हो रहा है, जब वहां पे काकड़ साहब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो क्या इज्जत पाकिस्तान की, एक 26-27 करोड़ अवाम एटमी ताकत, और कौन नुमाइंदगी कर रहा है फलस्तीन मामले में, अनवारुल हक काकड़ जो खुद सेल्फियां ले रहा होता है। तो अजीब बात है, मैं कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन मुसी साहब अभी आप बात करें। फारूक भाई, कभी खारजा पॉलिसी हमारी कोई एक मुस्तहकम रही है? मतलब हर दफा कोई एक, देखिए एक चीज होती है, एक सियासी खारजा पॉलिसी होती है, वक्त के एतबार से तब्दील होती रहती है, ठीक है। एक होती है स्टेट की पॉलिसी कि कौन खत्ते में सरहदों के पास और सरहदों से दूर हमारे दोस्त कौन है। एक होती है आपकी जो स्टेट पॉलिसी टो करती है। आप देख लें बड़े ममालिक के अंदर कि कोई वजीर आजम आए कोई सदर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इकोनॉमिक्स पे मुख्तलिफ चीजों पे जो है वो काम करेगा, मगर एक स्टेट पॉलिसी होती है वो टो हो रही होती है, यानी जिसको थिंक टैंक्स जो है वो उसको लेके चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ इसका फुकदान है, कभी हम कश्मीर जाके उनके हाथ में रख देते हैं, कभी हम कश्मीर को ओन कर लेते हैं, कभी हम अपने इलाकों जी कॉलर तो ले लें। पहले तो इन्होंने PIA भेज दिया जी, PIA की रेड मार दी जी पीपल्स पार्टी ने जी। हेलो जी जी सुन रहे भाई। हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने PIA को गर्क कर दिया, स्टील मिल को गर्क कर दिया, दोनों पार्टियों ने जी। अब क्या करेंगे, अब किसको किसके बिना पे नौकरियां देंगे, इन्होंने गर्क किया, इन्होंने सब किया और इन्होंने सब कुछ करके ये अपने शनाख्ती कार्ड जमा कर लेते हैं और वो सबको गोठों से बंदे इकट्ठे करके स्टैंपे खुद ही लगाते हैं। ये सारा कुछ तो ये बेईमानी चल रही है पाकिस्तान में, क्या करेंगे सर आप? सही सही, बिल्कुल सही भाई, बहुत मेहरबानी, मैं माफी चाह रहा हूँ अगर कोई गलती। नहीं नहीं सर, आपने हकीकत हम भी वही कहे, सब कुछ हम देखते रहे हैं कि ये जो अदारों की दबाई है किस तरह से इनके जाती कारोबार, किसी की एक बस किसी ने थी उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी हुई है, लेकिन रेलवे फेल हो गई है, PIA फेल हो गई है, प्राइवेट जो हमारे वहां पे एयरलाइंस है वो ठीक काम कर रहे हैं, तो ये अजीब अलमिया है हमारा। खारजा पॉलिसी पे मुसीब भाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक एक करके अगर आपकी ऑडियो खोलते हैं तो फिर मेरी जो ऑडियो मसला कर रही है तो वो शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ ये एहतमाम किया हुआ है जी। मामला रूस के साथ इलाकाई तौर पर नए बनने चाहिए थे, क्योंकि जो है वो एक मामला रूस के मामले अलग हैं, हिंदुस्तान के साथ खारजा मामला दुरुस्त होने चाहिए थे, उनके साथ एक फैसला कौन मरहले में जाना चाहिए था, हनूज वहीं पर खड़े हैं। अफगानिस्तान की बड़ी डायनमिक चेंज हुई है, अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मामला हैं, हुकूमत तब्दील हुई है, हुकूमत मुस्तहकम हुई है, बिजनेस बेहतर हुआ है, उनका ईरान के साथ पैचअप हुआ है, ईरान का सऊदीया के साथ पैचअप हुआ है, चीज़ें बहुत तब्दील हुई हैं। आपके पास दो घर ऐसे थे जिससे आप मुस्तकिल खा रहे थे, एक अफगान वॉर अफगानिस्तान के जरिए खाए जा रहे थे कि वहाँ अमेरिका बैठा था उसको आप लॉजिस्टिक्स जो है वो सपोर्ट दे रहे थे,
वो दुकान बंद हो गई, दूसरी आपकी ईरान और सऊदीया की दोस्ती होने से वो दुकान बंद हो गई। तो ये दो दुकानें बंद हो गई, दो आपके खाने के जरिए जो है वो अकाउंट जो है वो बंद हो गए। अब मसला अब यहाँ पर है कि खारजा पॉलिसी आपकी हरकत में आए, आपने मुल्क चलाना है, अब ये जो कब तक भीख मांग के गुजारा करेंगे, तो वो भीख देने वाले के लिए कोई वो नहीं है, आपके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। सयाहत के ऊपर क्या होगा, आपका जो है वो जो मामलात हैं, किस तरह टूरिस्ट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको आप क्या फैसिलिटेट करेंगे, टूरिज्म के ऊपर कोई काम नजर नहीं आता, जो साइट्स हैं जबू हाली का शिकार हैं उसकी मेंटेनेंस नहीं है, जब एक आम मामलात ही खराब हैं, मतलब एक पॉलिसी होती है ना, खर्चा पॉलिसी के अंदर तमाम चीज़ें इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो डिस्कस होती है कि हमारे बाहर मुल्कों के साथ रवाबित कैसे होंगे, इंटरनल हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, बाहर क्या होंगी, क्या चीज़ें, कोई मुल्क की पॉलिसी चाहे वो खारजा पॉलिसी हो या वो कोई भी चीज़ हो, वो नज़र नहीं आता। जो आता है वो अपने 3-3.5 साल गुजारने के चक्कर में होता है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करे, सारी बर्थें, सारे पोर्ट उसके पास हों, जितना लूट सकता है लूटे, बस सलाम। तो लोग मायूस क्यों नहीं होंगे, क्यों मायूस नहीं होंगे, सवाल ये पैदा होता है। बिल्कुल सही। मैं मदद चाहता हूँ, एक दो पॉइंट मेरे रह गए हैं, मैं कर लूँ बेहतर है। जी जी। तो आवाम को रोशनाज हो जाए, हकीकत का पता चल जाए और आवाम जो है वो होश में आए, अभी भी होश में आ जाए। ये तो पागल फुद्दू बना रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं पागल बना रहे हैं आवाम को। बात यह है कि असल में वतन का बेड़ा गर्क करने वाले, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर, ये दो ही जमाते हैं और यही सियासी लीडरान, खुद साथा लीडरान है, डिजिटल कंपनी ओपन किया उसका नाम है उसका अब्दुलरहमान क्या, तो दूसरा आसिफ अतारी और नवाज शरीफ। क्या मुझे ये बताइएगा फरूक भाई कि ये माले पाकिस्तान के यही दोनों हैं क्या? हम हमारा कोई तलक नहीं है, मुझे मालिक यही है दोनों है? और एक ने सिंध को पकड़ा हुआ है, एक ने पंजाब को पकड़ा हुआ है। और बात ये है कि ये मैं हाथ जोड़ के इनको कहता हूँ, हाथ जोड़कर, अभी इस वक्त अभी आने वाला है हाथ जोड़ने वाला, कि खुदारा खुदारा अल्लाह रसूल के वास्ते मुल्क को छोड़ दें, मुल्क को छोड़ दें, अहले बैत का वास्ता है, मौला खुशकु शाह का वास्ता है, अब छोड़ दें मुल्क को, मुल्क का गुर्बत बढ़ रही है भाई। यकीन करिए फरूक भाई, मैंने फोन किया, फेसबुक पर बात की है, उसको चपरासी की नौकरी आज मिल रही थी, मैंने उसके लिए पैसे भेजे, खुदा अल्लाह स्कूल को आया, मेरा कानात को आया, बहुत शुक्रिया। उनको नौकरी ही मिलती, कोई चपरासी की नौकरी मिल रही। और ये मैं कहता हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट के बाद में गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी का तूफान है, इन लीडरों को अल्लाह ताला अपनी अक्ल अशऊत फरमाए, और इनके कारोबार इंडिया में है। ठीक, यकीन जानिए, मैं शर्त में मैं दावे कहता हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, इनके जो कारोबार है एक लंदन में कारोबार है इनके, इनके इंडिया में भी है और कुछ के दुबई में भी है। अल्लाह माफी भाई, अल्लाह आराम करे, और दुनिया चार दिन की दुनिया है भाई, कुछ नहीं। अल्लाह, हाँ ये तो है, ये तो है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और बस सादगी है ना हमारी, आपने कह दिया कि वो मुल्क छोड़ दें और वो छोड़ देंगे। ये ऐसा ही है कि कोई जंगल में कोई दरिंदा जो है, कोई जानवर जो है, वो बेचारी किसी हिरन को खा रहा है और हम दूर बैठ के वो वास्ते दे रहे हैं कि खुदा के लिए इस हिरन को छोड़ दो, ये जानवर को छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। इनकी जबिल्लत में ये नोचना ही है, इनकी जबिल्लत में इन्होंने काटना ही है। हमने जो भी एक जिसे कहते हैं ना, निचोड़ निचोड़ के अगर कोई एक दो कतरा बचा है हमारी आवाम के खून का महंगाई के बाद, तो वो भी ये निचोड़ेंगे। वही टीम है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि तरक्की का सफर 2017 के बाद से हम दोबारा शुरू करेंगे। तो समझ नहीं आती, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक 18 का साल वो खाकान अब्बासी का भी खा जाते हैं बीच में, और ये 16-18 महीने अपने भाई की जो हुकूमत है वो भी बीच में खा जाते हैं। तो कौन सी टीम कौन सी लाएंगे? बस अभी खारजा पॉलिसी के जैसे मुसी साहब बात कर रहे थे, जाती अपनी कुछ ये जैसे बरासा हो के आए ना, सऊदी अरब हो के आए हैं या यूएई हो के आए हैं, तो ये हमारे जो मुक्तदर हल्के उनको ये एतमाद दिलाते हैं, जैसे इमरान खान कहा करते थे ना उनके कि हम 200 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे, तो वो बस एक जो है वो थोड़ा सा एतमाद दिलाया करते थे कि इमरान खान आएंगे, वो तो इतने ज्यादा चैरिटीज वगैरह उनको दी जाती है, वो बैठेंगे एक बार कौम से खिताब करेंगे कि ओवरसीज जो है पाकिस्तानी हजार हजार डॉलर जमा कराएं तो हम मुल्क का कर्जा उतार देंगे। तो ऐसा ऐसा जो चुबन है वो भी जाहिर है वो काम ना हुआ,
तो बाजवा साहब को भी ये लगा कि जो मामलात या जो एक जिस वजह से हम इन्हें लाए थे तो वो तो हल नहीं हो पा रहे, मुझे ही जाना पड़ रहा है यूएई में भी, मुझे ही जाना पड़ रहा है सऊदी अरब में भी, और अरब अरब डॉलर जो है वो लाने पड़ रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब के वो 200 अरब डॉलर जो मुंह पे मारने थे मुराद सईद के बकोल, वो तो आए नहीं। तो अब जो है वो अब क्योंकि वहां पर तो मेज बिल्कुल खाली है, खजाना बिल्कुल खाली है, कोई जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास अब ये मौका नहीं मिलता कि अब हम कहां से खाए। अब ये है कि एक बड़ा जो एक जिसे कहते हैं, चले मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, बड़ा डाकू जो है वो कहता है कि ठीक है आप मुझे सरदार बना लें तो मैं खुद भी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। तो अब ये बड़े डाकू साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि आप अब मुझे दोबारा मौका दें, मैं इधर उधर से कुछ यहां से कुछ जो भी है कोई खून निचोड़ना रह गया है वो डार साहब को लगा दूंगा, वो निचोड़ेगा, और बाकी को इधर उधर अरबों शरबों से वो मैं 1-2 अरब डॉलर जो है वो मैं ले आऊंगा, और आपके 3-4 साल रिटायरमेंट के होने तक वो मैं आपको जो है वो माला माल कर दूंगा, आपके साथ पुश्ते जो है वो आपको कोई परवाह नहीं होगी। तो शायद ये एक ऐसे निजाम से मुल्क चल रहा है। बाकी तो नवाज शरीफ वो क्या रेल पे लाएंगे, वो कौन सी टीम होगी, वो समझ से बाहर है कि वो मरियम साहबा कहती हैं वो क्या जज्बाती मनाजर थे, वो तो कोई इंडियन फिल्म जो है वो मात खा गई कि वो जो जज्बाती मनाजर थे कि वो मरियम औरंगजेब कह रही है मरियम ऊपर देखें वो आ गए हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा है, मरियम नवाज रो रही हैं, और वो पीछे देखें ऊपर देखें दाएं देखें, तो ये वो मनाजर थे। और फिर वापस आके फिर वो स्टेज के ऊपर वो आप दीदा होके, और ये सारा जो उन्होंने एक क्या ही फुल ड्रेस रिहर्सल की होगी बकायदा, क्योंकि हमारे यहाँ पता है वहां पे अब छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वहां पर रिहर्सल कराई जाती है कि लड़की वालों की ये इन्होंने ये काम करना है, लड़के वालों की ये रसूमात हैं। तो मुझे लगता है कि वो शरीफ बरादरी पूरी ने कोई रिहर्सल की थी कि ये जब जहाज ऊपर जाएगा मरियम औरंगजेब ये आवाज देगी और वो ये जो है वो चंद आंसू आएंगे और फिर इस तरह आवाम को मुतासर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बाद में आपने उन माइयों के इंटरव्यू सुन लिए कि जिनको 5-5 हजार का वादा करके लाया गया था और वो लांते भेज रही थी कि वो किधर गए हमें जो 5 हजार वो भी नहीं मिले। तो ये अजीब ड्रामा है। बड़े सरदार ने कहा है कि मुझे बनाओ मैं खुद भी खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा, आवाम शवाम भूल जाए। तो ये एक चक्कर है वो जो अब देखें आगे क्या होता है। सर अल्लाह का आसरा ही है और तो कोई बात नहीं है। जी मुसी साहब, आप देखें ना ऐसे माहौल में जब चीजें आप बिल्कुल सामने वाजे हैं जिनको आप बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजे हैं, अब ऐसे माहौल में जो लोग वहां पर रह रहे हैं आप बताएं वो किस तरह से क्या फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। कोई एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, कोई वहां पर तालीम मुकम्मल करने के बाद रुकने के बारे में क्या सोचेगा, मतलब प्लानिंग क्या होगी एक ऐसे माहौल में जहां पर आपको नजर नहीं आ रहा कि आने वाले अय्याम में क्या होगा। मतलब पहले तो लोड शेडिंग होती थी बिजली की, अब जो है वो गैस आपके सुई से, अपनी गैस है आपकी जिसको आप सुई गैस कहते हैं वो बेसिकली सुई के मुकाम से निकल रही है, उसका जखायर उसका जो भंडार है वो वहीं है, तो उसको जो है वो अब गैस की लोड शेडिंग है, गैस नहीं है भाई, एक वक्त में बिजली भी नहीं है गैस भी नहीं है, अब बच्चे क्या करें, स्कूल जा रहे हैं स्कूल से आ रहे हैं तो ना खाना गर्म कर सकते हैं ना कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, मतलब जिंदगी अजीरन करके रख दी। तो अब एक ऐसे माहौल में जिसको मौका मिलेगा जिसके पास 4 पैसे हैं वो खैर बात करेगा, तो इस तरह से कौमें जो है वो टूटती हैं, इस तरह से एक तरक्की का सफर पीछे होता है। आपके बराबर में आपके पड़ोसी बंगाल ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, चाइना को ले लें, ईरान को ले लें, इवन अफगानिस्तान को ले लें, यार मतलब शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान जहां साला साल से जंगी जंग है जब से, यानी इवन अगर फारूक भाई आप देख लें आपने अपने बचपन में भी अफगानिस्तान में अमन नहीं देखा होगा, बस समझे नहीं देखा होगा आपने, यानी साला साल से जहां पर जंग रही है उसकी करेंसी आपसे मजबूत, अमन व अमान में वो आपसे बेहतर, खारजा पॉलिसी आपसे बेहतर, हालांकि तालिबान हुकूमत कर रहा है जो खुद एक दहशतगर्द ग्रो कहलाया जाता है दुनिया भर में, वो हुकूमत कर रहा है मगर वो लॉन्ड्री से होकर आए हुए हैं, वो कहते हैं हम वो वाले तालिबान नहीं है, हम तो कतर से आए हुए दूसरे पढ़े लिखे तालिबान है, हम तो वो उन्होंने अपनी शिनाख्त तब्दील कर दी। आप ना कर सके 75 सालों में, आपके यहाँ यही हो रहा है कि जी रिटायर्ड होकर अब मैं किस महकमे के में जाके उसके सर पर बैठ जाऊं, चाहे मुझे उस महकमे के बारे में अलिफ बे ना मालूम हो मगर मैं उसका हेड बन जाऊं, क्योंकि जब तक मलिकुल मौत नहीं आता मैं रिटायर्ड होऊंगा नहीं।
तो ये जो एक चक्कर है आपके सामने, इसने मुल्क को खोखला कर दिया, तबाह कर दिया। हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम इमरान साहब फरमाइए भाई। रुख भाई मेरी तरफ से आपको भी सलाम वालेकुम, अली भाई को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये जो आंसू बात है ना, जी जी ऊपर दे दे के आसमान पर, जी हाँ, ये गरीबों लोगों का खून छोड़कर ऊपर से आंसू बहाते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं लोगों का। ठीक, इन्होंने जुलम पर जुलम लोगों को बच्चे बुलाकर बच्चों वालों को किराया नहीं दिया। बिल्कुल सही, वहाँ पर आकर ना तो उन बच्चों वालों को भी किराया नहीं दिया, तो वो भी जलील होते रहे हैं और बच्चों इनको देते रहते हैं। तो बिल्कुल सही, ये इन्होंने सारा अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, वहाँ इनकी बाहर पड़ती है, पाकिस्तान में आते हैं सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। ये दरिद्रों से भी ऊपर हैं और इन्होंने गरीबों लोगों का जुबर कर दिया हुआ है और ऊपर से मजाक करते हैं। ये नूरा कुशी और दूसरा, जब तक हमारी अतलिया नहीं ठीक होगी और इलेक्शन कमीशन ना ठीक हुआ, तब तक ना तो सही इलेक्शन मिलेगा और ना इंसाफ मिलेगा। ये दो चीजें होंगी तो पाकिस्तान ठीक होगा, बिल्कुल सही, इंसाफ ठीक होगा, ये पट्टी माफिया खत्म होगा तो फिर ठीक होगा। सही, बाकी इनसे अल्लाह ही बचाए, ये बेवस है, इनको हराम लग गया हुआ है, इनको मौत का कोई याद नहीं, हशर के दिन इनका हाल क्या होगा। सही सही, चलें जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बिल्कुल सही, इनको बस अपनी मौत याद नहीं है। एक मैसेज है व्हाट्सएप, फ्यूडलिज्म प्लस एस्टेब्लिशमेंट आर टू मेन बेनिफिशरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री, दे आर ओनली 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, प्लीज कमेंट। के फ्यूडलिज्म और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेन दो बेनिफिशरी हैं इस मुल्क के, यकीनन इस वक्त तो यही है, लेकिन मुल्क बनाने में यकीनन अवाम की भी राय थी, अवाम ने इतनी कुर्बानियां, लाखों कुर्बानियां दी थी। और जब हम देखते हैं इंडिया में जो अकलियतें हैं, जब हम देखते हैं इस वक्त जो मोदी सरकार के दो अदवार गुजरे हैं, उस वक्त जो वहां के जो अकलियती जो वहां पर रह जाने वाले मजहब के लोग हैं, उनकी जब सिचुएशन देखते हैं, तो जब फिर हमें ये पता चलता है कि मुल्क बनाना मुसलमानों के लिए ये गलती नहीं थी, मुल्क चलाने वालों ने गलती की है। यानी अगर मेरे वालिद साहब एक घर तामीर करके देते हैं और मैं घर को बर्बाद कर दूं, तो मेरे वालिद साहब का कसूर नहीं है कि उन्होंने मुल्क या घर बना के दिया, ये मेरा कसूर है। अब जो इस वक्त मुल्क की हालत है, अगर लियाकत अली खां भी, 24 अक्टूबर उनकी बरसी थी, हमने उस दिन भी बात की कि शहीद ना किया जाता, उनकी टांगे ना खींची जाती, वही जमहूरी सफर जो इंडिया में चल रहा है वो पाकिस्तान में भी होता। अब इवन अभी अभी प्रोग्राम में ही हमने बात की, सन 2022 में अगर इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया जाता, और अगर गिरा भी दिया और वो इलेक्शन जो अनाउंस हो चुके थे, असेंबलिया तहलील जो ऐलान कर दिया गया था उसी पे आगे बढ़ा जाता, नए इलेक्शन उसी वक्त हो जाते, तो मुल्क की ये जो आज हालत है वो वैसी ना होती। तो मुल्क को चलाने वालों ने उसका बेड़ा गर्क किया, बनाने वालों ने इस वक्त आप देख लें, वहां तो मुझे वो अब याद आ रहा है, कोई वहां पर कोई अक्सरीती इलाकों में ही है कि वहां पर जो अकलियतें उनके कोई सुख का सांस है, वरना अलीगढ़ का नाम जो है वहां तक वो चेंज कर रहे हैं, हरिगढ़ जो है वो चेंज किया जा रहा है, मुसलमान वो ताजमहल काजर नहीं जी, ताजमहल तो किसी मुगलिया बादशाह ने बनाया ही नहीं था, किसी और ने बनाया। तो इस किस्म की जो चीजें वहां पे है गली गली में, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान बनाना ये कोई गलती नहीं थी, आगे चलाने वालों ने बड़ा गर्क कर दिया तो फिर उसका ये भुगत रहे हैं। एक और कॉलर फिर मुसीब भाई के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम खान साहब जी, बिस्मिल्लाह। आपके जी मौला का करम, मौला का करम। दो ढाई हफ्ते कबल जी जनरल साहब ने डंडा दिखाया था, डंडा इस्तेमाल नहीं किया था, किसी को मारा ना था डंडे से, किसी को पीटा भी ना था जी, खाली दिखाया था, चटका गया, चटका या झटका, ठीक, एकदम से डॉलर कंट्रोल में आ गया, डॉलर की कीमत जी। कहने का मतलब यह है कि हम डंडे की कौम है,
डंडे की कौम है। फिर इसके अलावा चाहे जनरल हो चाहे जज हो, दे आर ऑल क्राफ्ट, सारी तरह से दे आर क्राफ्ट। उनके जिस्म में हराम की खुराक लिखी जा चुकी है, उनके जिस्म में जो जरासीम है वो हराम पर पलते हैं। ठीक, ये बात है जी, जी। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी ये हैं। अच्छी खबर ये है कि इमरान खान चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, मुल्क के लिए किया तो अच्छा, लेकिन वो बेबस हो गया था असल में। उसको सभी सभी अवर पावर करने के लिए थे इमरान खान को, फ्लैट करने के लिए। ठीक, वो उन्होंने उसको फ्लैट कर ही दिया। लेकिन इमरान से अच्छा ये हो गया कि उसने पाकिस्तानी अवाम को जगा दिया। हाँ ये ठीक है, ये आप बिलीव करते हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन तकरीबन 65% 75% 70% उसने अवामी स्लीपी नेशन को जगा दिया। आपका ये हाथ है, क्या करते हो, ये आपका खून चूसने वाले हैं। सही, देखो 75 साल में इन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके साथ, ये बात है जी, बिल्कुल सही। लेकिन अब आखिरी हमारे मुल्क के लिए एक ही बात सूट करेगी, लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि बिल्ली के गले में घंटी और बांधे, 10-12-15 बड़ों की गर्दन जनी होनी चाहिए। चलें जी जी जी, इससे हमारा मुल्क बना था ला ला इल्लल्लाह के नाम पर की ताकत से। लेकिन करेगा कौन सर? ये अभी आपने जजू का भी बता दिया, कौन ऐसा बंदा है कि जो खुद इस काबिल है कि वो दूसरों को सजा दे सके? मुमकिन है अब की बार इमरान खान साहब आए कुछ तैयारी करें। इमरान खान साहब तकरीबन, क्योंकि जो झटके इन्होंने उसको भी दिए ना, अच्छा उसे भी पता कि ये डंडे को ही मानेंगे। ये वो कौम नहीं है जैसे कहेंगे जनाब प्लीज प्लीज बैठिए ये करिए, नो, ये डंडे को मानते हैं। ठीक, लेकिन ये भी साबित हो गया डंडे को मानते हैं। 3 हफ्ते कबल थोड़ा सा झटका कराया या चटका, ठीक, जनरल साहब ने कहते डाले कंट्रोल हुआ। जी 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 बिल्कुल सही सर। चलें, यानी आपको ये है कि यही सिस्टम रहे और जनरल साहब ही अख्तियार रखे सारा कुछ ताकि हर चीज कंट्रोल में रहे, या जनरल साहब नहीं तो सब कुछ कंट्रोल में रखेंगे? वो तो जगह बिल्कुल बिल्कुल बैंकक्रप्ट होने के बिल्कुल नजदीक है। अच्छा, तो सारा ब्लेम आर्मी को ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। लेट अस डू समथिंग, ठीक, थोड़ा सा चढ़का करा दिया, वरना अच्छी बात तो ये होती ना कि उनको गरीबान से पकड़ लेते जिन्होंने 70-72-75 साल पाकिस्तान से स्मगलिंग की है टू अफगानिस्तान। सारा सामान हमारे मुल्क में महंगा हो जाता, आटा हो चीनी हो दाल हो दलिया हो जो कुछ भी है, डॉक्टर भी वहां पर जाते थे, डंडा तो दिखा दिया, वो छुप गए। क्या उनकी पकड़ बकड़ नहीं हो सकती? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, पॉइंट आया। टाइम आगे कम है, लेकिन एक जो आपने बात की ये बात सही है, इमरान खान ने भी शऊर दिया। इवन भुट्टो साहब को जो नारा अभी हम बात कर रहे थे, जो मंशूर रोटी कपड़ा मकान, जब वो नहीं मिलता, ये शऊर है वाकई इनडायरेक्टली कि जब आवाम को वो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता तो वो फिर पूछती है कि कहाँ है वो वादे। और इवन जो अलीम खान की अभी पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि इमरान खान अगर इतने ज्यादा एक अच्छा फैसला करने वाले थे, वही बुजदार जिनको पंजाब जो 10-12 करोड़ आबादी का वजीर आला उन्होंने लगा दिया, तो क्या वो शौकत खानम अस्पताल का जो इंचार्ज है वो भी बुजदार को लगाएंगे? इतने सूझबूझ इंसान जो रखने वाला है, तो कोई भी जी शऊर बंदा शायद बुजदार साहब को या उस जैसे आमल अफराद को घर को या परचून की दुकान चलाने के लिए ना दे, जो उनके अंदर एक सलाहियत थी, होती है। अब जाहिर है जो इस वक्त जो मूसी साहब के पास इल्म है वो मेरे पास नहीं है, या जो मैं क्रिकेट के ऊपर प्रोग्राम कर लूं या करंट अफेयर्स, उन पहलुओं पे शायद मूसी साहब का ध्यान ना हो, और जो हम दोनों बैठे हैं और जो हमारे भाई लंदन में हमें ऑन एयर कर रहे हैं वो ना हो, तो हम दोनों ही घर में ही बातें करते रहे, आप तक आवाज ही ना पहुंचे। तो हर बंदे का शोभा होता है, उस शोभे में वो बैठा होगा वो, तो वो इदारे के लिए बेहतर होगा, वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसे काम हुए तो एक याद आ गया, इमरान खान ने शऊर दिया, लेकिन उसी शऊर या उसी जो उन्होंने एक जो प्रचार की उसके ऊपर खुद अमल नहीं किया। वो एक मुझे याद आए कि जो एक हशर का मैदान लगा ना, तो जब लोगों को इधर उधर कर दिया कि ये जन्नती हैं वो जहन्नमी हैं,
तो एक आम जो मुसलमान है ना, वो देखते हैं कि मेरे गली के जो मौलवी साहब हैं वो जहन्नमी लोगों की लिस्ट में खड़े हैं। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब मैंने तो आपकी बातें सुन के तो उस पर अमल किया तो मैं जन्नती लिस्ट में आ गया, तो आप जहन्नमी लोगों में क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बातें ही करता था, इस वजह से तुमने उस बातों पर अमल किया, तुम पास हो गए और मैं उधर बातें ही करता रह गया। ये लीडर जो हैं ये बातें बहुत प्यारी करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मदीना की रियासत अब कौन जुटला सकता है, लेकिन मदीना की रियासत के हालात देखें, फयाज चौहान, फरदोश आशिक अवान, उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी, तो ये बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन जो हालात, जो पुल पुरजे उन्होंने बनाए रखे थे वो उनको ले डूबे। तो ये है इमरान खान, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, भुगत वो उधर रहे हैं अडयाला जेल में। जी मुसीब भाई, लाएं कहां से? उनकी जो जो पकड़ धकड़ 11 थी वो इन्हीं सियासी पार्टियों से उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ के अलग धड़क किया था। आज जैसे पीटीआई तोड़ के अलग है, एमकेएम के 6-7 टुकड़े माशाल्लाह अभी 4-5 और होने वाले हैं, तो वो जो ये सब मामलात हैं ये काम होता रहता है। एमकेएम थी, हकीकी बना दी, उसके बाद जो पाक सरजमीन पार्टी बना दी, फिर जो बादराबाद ग्रुप, तो पीआईबी ग्रुप, तो फला ग्रुप, तो फला फला फला, तो वो लोग नए लोग इमरान खान लाएं कहां से? सवाल ये भी तो पैदा हो रहा है ना, किस प्लेनेट से ले आए उनको? जो लोग जमा किए हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, वो फला हैं, वो फला हैं, फला है, यकीनन वो सियासतदान जो हैं, जो पॉलिटिक्स करते चले आए, वो किसी दूसरी पार्टी से तो लाएंगे वो। अब वो थ्रू जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं, इसके अंदर एक आगे एक ब्राइट फ्यूचर देख कर आए हैं, वॉट एवर उनकी जो भी निगाह, सियासी निगाह है, बसीरत की निगाह है, जो भी है, वो एक अलग बात है, वो एक डिफरेंट बात है। मगर वो इमरान खान लाएं कहां से? अगर अभी एक नई पार्टी फॉर्म करने की बात की जाए और कहा जाए कि ये तमाम के तमाम जो लोग हैं इन्होंने डिलीवर नहीं किया, ना मुस्लिम लीग नून ने किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना तहरीक इंसाफ ने किया, ना शहरी सतह के ऊपर जो है वो एमकेएम ने किया, किसी ने भी प्रॉपर आवाम को डिलीवर नहीं किया, चलें जी आप जो है वो नई पार्टी बनाएं और जो है वो आवाम जो है वो पूरी हिमायत करेगी। सवाल ही पैदा होता है कि वो नए लोग कहां से लाएंगे? वो हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर सियासी जो विंग तैयार करेंगे, उसके अंदर सियासी वर्कर कहां से लाएंगे? जो सियासी वर्कर्स को कंट्रोल करे उसके हेड्स कहां से लाएंगे? वो जो है वो किसको ऐसे वजीर खारजा लेकर आएंगे, किसको वजीर दाखला लेकर आएंगे, किसको वजीर तालीम लाएंगे, किसको वजीर दिफा लाएंगे, वो क्या करेंगे क्या? यकीनन उनको फिर इसी मार्केट से रुजू करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, वो लॉन्ड्री होगी, फिर उसको धोया जाएगा, नए कपड़े पहनाए जाएंगे, मेकअप किया जाएगा कि नहीं ये वो नहीं है, उस पार्टी में चोर थे, अब चोरी नहीं करेंगे, अब तौबा की है और एहराम बांध के खाने काबा जा रहे हैं, नंगे पैर सहन में घूम रहे हैं, अब ये चोर नहीं है और इनको चोर भी ना कहा जाए क्योंकि चोरी का माजी इनका माजी था और अब ये जो है वो हाजी सनाउल्ला है। तो वो कहां से लेकर आए? बात तो ये भी है ना, लेकर कहां है? अब उसकी पार्टी टूट रही है, वापस दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, मसला ये भी तो है। जी हाँ, वो छन्नी चलने देते ना ताकि वो प्रोसेस चलता रहे, ऐसा ये इस किस्म के हीरे जो है वो फारिग होते रहते, में से शुरू में तो वहीं से लिए, अब उसमें फिर नए लोग इंजेक्ट करें, ये तो जब होगा जब आपको पीछे से आपकी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही हो, जहां पर इमरान खान ये कहेंगे मैं कुछ करना चाहूंगा मुझे करने ही नहीं देते, तो यहां पर फिर वो नए लोग इस सफर में कैसे हम सफर होंगे? जो करप्शन की बात नहीं करेगा, जो इस दरवाजे से नहीं आएगा, वो सीधा सीधा मारा जाएगा या उसको टिकट ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो डिफरेंट क्लास है ना, ये सही बात है। चलें, टाइम आज के प्रोग्राम का अख्ताम पे पहुंचा, लेकिन यकीनन ये जो मसाइल हैं इनका तो अगर कोई हल करना चाहे सही सम्त में, एक भी कदम उठाए तो ये इतना मुश्किल नहीं है। जजेस की हमने बात की, आज वो टेकअप कर लें। जी, छोटा आदमी नहीं है, कहीं पर सिंध के वडेरे बैठे, एक इस तरह का, सिवाय एमक्यूएम के वो मिडिल क्लास तबके को लेकर आई, ठीक है ना, बेशक वो डिलीवर नहीं कर सके मगर असेंबलियों तक उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को पहुंचाया। आप और पार्टियों में देखें कि वहां पर जागीरदार का बेटा जागीरदार आएगा ना, वहां कोई मजारा उनका उठकर किसी चौधरी के डेरे से कोई कभी मिनिस्टर बनाए, तो ये नहीं है वहां, वो क्लास ही अलग है। तो ये सारा मामला थे अंधेर नगरी चौपट राज वाले मामला थे, इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक,
बिल्कुल सही। शुक्रिया आगाली मुसीब भाई आपका, और नाजीन आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, और वही बात के अगर इस प्रोसेस को चलने दिया जाए, ये प्रोसेस इतना बुरा नहीं था। सारे ममालिक को रीदगी की मिसालें भी हमने दी कि वहां पर अगर ये प्रोसेस चलता रहा, हमारे साथ हमारे बाद में आजाद होने वाले ममालिक जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। इवन वो भी खड़े हो गए कि जिन पे एटम बम गिराए गए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सितम यही है कि जितना चलाने वालों ने बेड़ा गर्क किया है, अवाम देखते ही रहे कि शायद आज ये जो नारा आया है मार्केट में, ये लगाने वाला शायद हमारा मसीहा है। आज ये जो आया है बंदा, ये जो जिस दुख दर्द का इजहार कर रहा है, ये शायद हमारा मसीहा है। लेकिन हुआ कुछ और ही, वो अपने ही अजायम लेकर जैसे फारिग हुआ तो हमें पता चला कि ये बैंक बैलेंस जो है, ये जो जायदादें हैं, ये उसी की भरी है। हम तो वही के वही खड़े हैं। तो यही मामला रहा है। चले अल्लाह करे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला शहदा के खून के सदके जो आज भी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के बनाने में जिन लोगों का खून गया, तो उनके सदके इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी होगी। और अल्लाह ही कोई बंदोबस्त करेगा कि ऐसे लोग बेनकाब होते रहेंगे और जान छूट जाएगी हमारी। और ये जिद्दोजहद अवाम को भी यकीनन इसके लिए हिम्मत करना पड़ेगी। हिम्मत है मर्दा मद्दे खुदा, ये हमने सुना है। तो इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम इसी